बड़ी खबर, सीरिया के इदलिब में रूस ने बड़ा प्रहार किया है। टर्की समर्थित 80 लड़ाके मारे गए हैं। 80 लड़ाके रूसी स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लड़ाके जख्मी किए हुए हैं और रूस ने ये हमला किया है फलक अल शाम के अड्डों पर। ये देखिए रूसी फाइटर जेट्स ने कैसे एयर स्ट्राइक की सीरिया के इदलिब में, जहां पर टर्की लड़ाके मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर, रशिया ने टर्की पर एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। टर्की समर्थित 80 लड़ाके मारे गए हैं, किया गया है सीरिया में, लेकिन कहा जाता है कि यह टर्की स्पॉन्सर्ड है। और एक और बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई, सीरिया में ही अमेरिका ने भी अलकायदा के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने अलकायदा के 7 टॉप कमांडर ढेर कर दिए हैं। अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के अड्डे तबाह कर दिए। तो एक तरफ रशिया टर्की स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं या जो लड़ाके हैं उन पर स्ट्राइक कर रहा है, तो अमेरिका अलकायदा के टेररिस्ट पर उनके ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।